हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। ट्रेडिशनल पहाड़ी ब्लॉग में मैं पुष्पा विष्टु तुम सबन को स्वागत करूं। आज बहुत है न्यू काम आ रही है हमारे यहाँ। 3-4 दिन है बारिश और बेली है काम तो आधे दिन बाद, लेकिन आज रात तक नहीं है काम से। जब बारिश हुए बाद जो धूप हुई वो बहुत खिली धूप हुई और वो घामों का बहुत इंतजार हो, विशेषकर सर्दी का मौसम में। तो मैं तुम्हें देखूँ कि प्यारो मौसम का सूर्य आज हमारे शहरों बिल्कुल खिलखिलाती चिलचिलाती धूप बहुत है, बढ़िया लग रही। और एल बजन 8:30 रात तनिक पीछे हमारे शहरों नज़ारा, और तुम आसमान देख सकता बिल्कुल क्लियर नीलो आसमान, और पूरब दिशा में सूर्यदेव छन, और हल्को हल्को कल्लाई बादल कोहरा होना दो तो अब तक छड़ जाल। तो बहुत है बढ़िया आज मौसम छे। आज मैं कोशिश करूँ कि ब्लॉग बनूँ और तुम देखूँ आज दिनचर्या, तो तुम बनी रहे मेरे ब्लॉग को। एवं तुम देख सकते कि प्रकाश अनुवर्तन उदाहरण पहली मैं इसे मोड़बेन लगा रखते हो, तो जो एक यू यू टहनी थी यू हंगू थे यू बिल्कुल ए तरफ सूर्य तरफ मुड़ गयो, मैं ओ तरफ किन लगा दे और फिर ले यू मुड़न वरी ए तरफ, यानी इसको प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं कि जिस दिशा में प्रकाश होता है उसी दिशा में पौधे वृद्धि करते हैं। और ये ले तुम देख सकता कि यू इतख झुकन वरी, यानी ये तरफ है घाम होते ए तरफ किन झुकन वरी। तो इंटर में जैल वायु में पढ़ा क्यों वो ये समझ सकें कि प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, और प्रकाश की ओर पौधों की वृद्धि को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। तो ये यू यानी नेचर हर कोई ले मैं कुना मतलब ये कि घाम है तरफ हर कोई लालायित हूँ, चाहे बारिश कतका निकला गो कतका के करो थोड़ा दिन के निकला गो फिर अमन घाम है चाँच, तो पेड़ पौधा ने सो चाँच घाम है चाँच। इतना चा क्या लगा रहा है दांतन पे, क्या लगा रखा है दांतों में, दांतों में कौन से दांत हैं ये? बोल भी तो नहीं पाएगी। नकली दांत है, कहाँ से लाई? किसमें खुला था? कहाँ से लाई? अच्छा ऐसी बन जाने वाला है। ममता सपन है बिल्कुल, सपन की सेवा करें पूरे गांव में और सब बुढ़न को नाखुनन का नाखुन ममता ही काटे। मामी की कौन चला ममता के आशीर्वाद दिन चला फिर तुम बहुत निक बुआर छे क्या वहाँ नाखुन काटन खेल शाबाश ममता शाबाश सेवा। प्रति जानवरों का प्रेम ऐसा दिखता है। ये इसके नाम से कोई एक लोबो 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 को आते रोने या तो लोबो बहुत फैमिलियर छु को खेन और कदु प्यार करे मरी लोबो लोबो यहाँ जा लोबो यहाँ जा मामी और बैठान मामी बैठान हमार मम्मी आज अपन माया तब खुश से ये बात चल रहा है गोरू उनकी और दाल अपने आप रहते हैं यार उनके बहुत खुशी हो अपन जा तो गढ़ पे होने यही रहेगी है? मैं तो बोल ही रही हूँ यही तो मम्मी परमिशन दे रही है मैं आ रही हूँ मंदिर में और ये मंदिर परिसर छे गू खेत गू गढ़ और ये मैं बोरखा तखन गू और कल्लाई कल्लाई सरसों और यहाँ पर बार मामी पहला मामी पहला हाँ तुम छा ठीक ठाक बाप रे गजब हम मोहन लगा रहा है मैं यू यू मतलब कोरोना कोरोना आप बचाओ फिर मोहन लगा रहा है मामी और ले मास्क और मंदिर मंदिर परिसर में रन भजन तो एक भी भजन मैंने गाँच जय हो भगवान। बड़े बड़े लोग मैया
शामिल मंदिर में गायन भजन बहुत बढ़िया आनंद है, आनंद आएगी। मतलब माघो में आज मैं लगी कि महात्म्य पूरी होगी और प्रभु का नाम जप लिया। ऐसी मतलब ऐसी संगत मिलती रहे सबको, हरि की हरि का नाम हरजी हुआ पे रहे। जब तू देखन मर्चा दगर है उन्हें प्रार्थना कर दिया कि इस माहौल बनते रहो, इस महफिल सजते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। चमू मंदिर हो और प्रभु चमू सब इन पे अपन कृपा रखून, कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे प्रभु जगत में शांति हो, कल्याण हो, सबका भला करना। हे प्रभु जो जो ले वीडियो चांद मरियान दर्शक उन्हें भल करया, सपन में अपन आशीर्वाद बनाए रखा। आज मैं मंदिर परिसर में आ रही हूँ। जय हो भगवान। एक बहुत बड़ी अनुभूति मुझे मंदिर में आबेन, बहुत शांति लागत। प्रभु का वास है इधर तो बहुत है बढ़िया लागन। अब क्या सूर्य सूर्या सूर्यास्त होगी, आप घर घिन जानू। प्रभु कृपा तुम सपने में बनी रहो। तीन दिन बाद घर आने के लिए बहुत बढ़िया लगी, मतलब कि प्रकृति के नजदीक ये तो यहाँ पर से बात कर रहे हैं गपशप। मेनु लग गई थी आप तो गुने ठीक से पा ठीक से पे चास पे ये देख छी तुम लिए ये क्यों नो इशू ये टॉर्च से काले बिनो ये टॉर्च फेरी वाला है इस बार। मतलब पहले जरूरत होली फेरी वाला ता मड्डी पिनले बे दी बड़ी से ने सेलल चल छी चार्ज वाली ये तो बहुत 2 साल चार 2 साल हो गया ना और चली रहे पर को रुपया छी ठीक से पा ठीक से पा मामी बाय। नया आ गई हूँ घर और आ रही हूँ अपन घर के और कोट पात करूँ और फिर कोशिश करूँ कि रक्त नहीं आए ब्याह लगे की दिनचर्या हूँ मेरे वो देखू नहीं पैर में कर कोट पात। लक्ष्मी छुन छुन पीने मेरे लक्ष्मी दूध कोट पात करूँ मैं कोट पात करने जरूरी भी हूँ दो दिन आई निकालन बनी रही है मेरे ब्लॉग में आते करूँ। बोल जाड़ तो बहुत भी लेकिन गड़न अब चौंत होगी जी ये चौंत और ये सरसों भी निकाल रही हूँ चौंत का लहर अब ये में ये सुख घास मिला है दून हमारे अड्डा दृश्य दिख रही हो रात का।